नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज देखिए, हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम चर्चा कर रहे थे भारत के भौतिक परदेशों की, और भारत के भौतिक परदेशों में हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया था प्रायद्वीपीय भाग का। और इस प्रायद्वीपीय भाग के बाद में हम आज देखिए पढ़ने जा रहे हैं भारत के तटीय भाग या तटीय प्रदेशों को। तो दोस्तों, आज इन सब के ऊपर देखिए यहां से हम विस्तार से देखिए चर्चा करने वाले हैं। देखिए, भारत के भौतिक प्रदेशों का आपके सामने चौथा पार्ट है। आपके सामने देखो तटीय भाग का कौन सा भाग है? तटीय भाग, या कह सकते हैं तटीय प्रदेश। देखो, यहां से कई बार एग्जाम में प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, इनकी क्या विशेषता है, कैसे यहां पर आपको तट मिलेंगे, इन सब के ऊपर देखो मित्रों चर्चा करते हैं। देखिए, भारत के तटीय भागों की बात करें तो इन तटीय भागों को देखिए दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। अगर इनके दो भागों की बात करें तो दो भागों में इसका जो पहला भाग है, उस पहले भाग को तो कहा जाएगा आपके सामने पश्चिमी तटीय प्रदेश। क्या कहा जाएगा? पश्चिमी तटीय प्रदेश। और दूसरा जो पार्ट है उसको कहा जाएगा मित्रों पूर्वी तटीय प्रदेश। तो इस प्रकार से आपके सामने दो तटीय प्रदेश आएंगे, एक पश्चिमी तटीय प्रदेश और दूसरा होगा पूर्वी तटीय प्रदेश। अब इनमें देखिए कहां पर पश्चिमी तटीय प्रदेश और कहां पर पूर्वी तटीय प्रदेश है। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको देखिए करना क्या है, यहां से आपको भारत का मानचित्र है वो याद करना है। देखिएगा, सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहां पर आपके सामने देखिए ये भारत का मानचित्र है। इसी मानचित्र पर देखिए हम यहां पर सारे के सारे तटों का यहां से विस्तार से अध्ययन है वो कर लेंगे। देखिए मित्रों, ये आपके सामने भारत है, इसका मानचित्र है। ये भारत का आपके सामने दोस्तों मानचित्र है, और इसी मानचित्र पर देखिए हम इन तटों की चर्चा है वो करते हैं। ये देखिए आपके सामने आ गया प्यारा सा है आपका भारत। क्या है ये? भारत का मानचित्र। और इसी भारत के मानचित्र पर देखिए दोस्तों, यहां पर आपके सामने जो भारत के तट है उनकी हम चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले भारत की इस वाली दिशा की बात करें तो ये उत्तर दिशा है, ये आपकी दक्षिण दिशा है, ये आपकी पूर्व दिशा है, और यहां से आपकी ये पश्चिम दिशा है। तो पश्चिम वाला भाग है वो तो आपका क्या कहलाएगा? इधर तो ये पश्चिमी तटीय प्रदेश, यानी यहां से लेकर के यहां तक ये पश्चिमी तटीय प्रदेश है, और यहां से लेकर के यहां तक ये आपका पूर्वी तटीय प्रदेश है। तो इधर तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये तो पूर्वी तटीय प्रदेश है, ये तो आपका पूर्वी तटीय प्रदेश है, और इधर आपका ये पश्चिमी तटीय प्रदेश है। क्लियर हुई बात? लेकिन यहां पर ही आपको छोड़ना नहीं है, बहुत सी यहां पर आपको चीजें हैं वो मित्रों याद करनी है। देखिए, मैं आपको सारी की सारी जो चीजें हैं वो यहीं से आपको क्लियर करवाता हूं। देखो, सबसे पहले देखिए पश्चिमी तटीय प्रदेश की बात करें मित्रों, तो यहां पर आपके सामने देखो कौन कौन से तट है वो आते हैं। सबसे पहला देखिए यहां पर एक तट आता है, और उस तट का नाम है मित्रों आपके सामने देखो सौराष्ट्र तट। कौन सा तट आता है यहां पर? सौराष्ट्र तट। सौराष्ट्र तट के बाद में देखें तो दोस्तों यहां पर आपको एक तट मिलेगा, और उस तट का नाम होगा आपके सामने कोंकण तट। कौन सा तट आ जाएगा? कोंकण तट। और कोंकण तट के बाद में यहां पर देखें दोस्तों तो यहां पर आपको एक तट और मिलेगा जिसका नाम होगा कन्नड़ तट। ठीक है, और कन्नड़ तट के बाद में यहां से देखेंगे मित्रों तो यहां पर आपको एक तट मिलेगा, और उस तट का नाम होगा आपके सामने मालाबार तट।
यानी पश्चिमी तटीय प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी तटीय प्रदेशों में आपको सौराष्ट्र तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट है वो मिलेगा। और यदि पूर्वी तटीय प्रदेश की बात करें तो यहां पर मित्रों आपको कौन कौन से तट है वो मिलेंगे, तो इनको आप यहां से ध्यान रखें कि सबसे पहले यहां पर आपको एक तट मिलेगा और उस तट का नाम होगा आपके सामने कौन सा, तो याद रखिएगा कारो मंडल तट। और उसके बाद में यहां पर आपको एक छोटा तट मिलेगा और उस तट का नाम होगा मित्रों उत्कल तट। और उसके बाद में एक तट आपको यहां से मिलेगा जिसका नाम होगा उत्तरी सरकार तट। ये आपको पूर्वी तटीय प्रदेशों में आपको ये सारे तट मिलेंगे, कारोमंडल तट, उत्कल तट और उत्तरी सरकार तट। अब यहां से देखिए एक-एक की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर है आपका भारत का गुजरात राज्य। कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य। इस गुजरात राज्य में देखिए दोस्तों तो यहां पर ध्यान रखें कि यहां पर आपके सामने एक क्षेत्र है जिसका नाम होगा कच्छ। और कच्छ से लेकर के यहां पर देखिए सूरत, कच्छ से लेकर के सूरत की बात करें तो कच्छ और सूरत दोनों ही कहां पर है? गुजरात में है। तो कच्छ से लेकर के सूरत के मध्य का जो भाग है वो भाग आपका कहलाता है सौराष्ट्र तट। कौन सा तट कहलाता है मित्रों? सौराष्ट्र तट। उसके बाद में देखिए कोंकण तट की बात करें तो कोंकण तट का विस्तार आपको देखिए कहां से मिलेगा, तो प्यारे मित्रों याद रखना महाराष्ट्र से लेकर के गोवा, यानी महाराष्ट्र से लेकर के गोवा के मध्य का जो तट है उस तट को क्या कहा जाता है? कोंकण तट कहा जाता है। और उसके बाद में गोवा से लेकर के अगर हम कर्नाटक की बात करें तो गोवा से लेकर के कर्नाटक के मध्य का जो तट है उस तट को बोला जाता है कन्नड़ तट। और उसके बाद में कर्नाटक से लेकर के यहां पर मित्रों देखिए केरल की बात करें, यहां पर केरल की बात करें तो इनके मध्य का जो तट है वो आपका मालाबार तट है। दोस्तों ध्यान रखिए कि कर्नाटक की बात करें और कर्नाटक के साथ केरल की, तो कर्नाटक से देखिए केरल के मध्य का जो तटीय प्रदेश है उस तटीय प्रदेश को किस तट के नाम से पुकारा जाता है? तो याद रखें मालाबार तट। और यदि गोवा से देखिए यहां पर कर्नाटक की बात करें तो गोवा और कर्नाटक के मध्य का जो तट है उस तट को बोला जाएगा कन्नड़ तट। फिर देखिए गोवा से देखिए यहां पर महाराष्ट्र की बात करें तो गोवा से लेकर के महाराष्ट्र के मध्य का जो तट है उस तट को देखिए किस नाम से पुकारा जाता है? तो ध्यान रखिएगा उसको कोंकण तट कहा जाता है। और यहां पर देखिए दोस्तों यहां पर कच्छ से लेकर के अगर हम सूरत तक की बात करें, यहां पर सूरत तक की बात करें तो इनके मध्य का जो तट है उस तट को देखिए किस नाम से पुकारा जाता है? तो यहां पर आपके सामने जो तट होगा वो सौराष्ट्र तट होगा। उसके बाद में देखिए यहां पर आपका कारोमंडल तट है, तो कारोमंडल तट का जो विस्तार आपको मिलेगा वो कहां से कहां तक मिलेगा? तो दोस्तों यहां पर आपके सामने देखो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु से ऊपर देखें तो यहां पर आपको राज्य मिलेगा आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य मिलेगा? आंध्र प्रदेश। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका तमिलनाडु राज्य है और आंध्र प्रदेश राज्य है इनके मध्य का जो तट है, इनके मध्य का जो तट है वो तट आपके सामने देखो किस नाम से पुकारा जाता है? तो वहां पर आप कह सकते हैं कारोमंडल तट। क्लियर हुई बात? उसके बाद में देखिए यहां पर आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश से ऊपर देखा जाए तो यहां पर आपको राज्य मिलता है जिसका नाम है ओडिशा। कौन सा राज्य मिलेगा आपको? ओडिशा। ओडिशा से लेकर के यहां पर देखें तो यहां पर आपको राज्य मिलेगा पश्चिमी बंगाल। कौन सा राज्य मिलेगा? पश्चिमी बंगाल। तो ओडिशा और यहां पर पश्चिमी बंगाल के मध्य की बात करें तो इनके मध्य का जो तट है वो तट देखिए किस नाम से पुकारा जाएगा? तो वहां पर आप लोग कह सकते हैं
उसको उत्तरी सरकार तट है वो कहा जाएगा, ठीक है। और यहां पर आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच की बात करें, इनके बीच की बात करें तो यहां पर आपके सामने एक छोटा तट आता है और उस तट को दिया गया है नाम उत्कल तट। बोलो इतनी चीज पहले आप बताएंगे क्लियर हुई या नहीं। आपसे ये कहा जाए कि सौराष्ट्र तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, ये कौन से तट में आते हैं पश्चिमी तटीय प्रदेश में। कारोमंडल, उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट कौन से तट में आते हैं पूर्वी तटीय प्रदेश में। सौराष्ट्र तट है ये कच्छ से लेकर के सूरत यानी गुजरात के मध्य का भाग है, और महाराष्ट्र से गोवा के मध्य का भाग है वो आपका कोंकण तट है। फिर देखिए गोवा और कर्नाटक के बीच कौन सा तट है, कन्नड़ तट है। कर्नाटक और केरल के बीच में आपका मालाबार तट है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में आपका कारोमंडल तट है, जबकि यहाँ पर आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच में आपका उत्कल तट है। ओडिशा और पश्चिमी बंगाल के बीच में आपका उत्तरी सरकार तट है। अब हम देखिए मित्रों इनकी एक एक करके विशेषता को पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर इस सौराष्ट्र तट को पढ़ते हैं, यहां पर इस सौराष्ट्र तट को पढ़ते हैं तो इनकी देखिए क्या क्या यहां से अपन को विशेषता है वो याद रखनी है। इस सौराष्ट्र तट की बात करें